ये देख सकते हैं दोस्तों, हैंड रेलिंग लगाए हैं 2 इंची पाइप का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें हमने वेल्डिंग किया है सरिया, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत दूसरी जगह दिखा देंगे। यहाँ पे ड्रिल मशीन से होल करके सरिया वेल्ड हुआ है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये 1.25 इंची का बेंड तो नीचे से लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये है, जब आप ऐसे पकड़ेंगे, जब इस तरह से पकड़ के जाएंगे तो ये हाथ में लड़ेगा नहीं, ठीक है। और कभी कभी हम सीधा भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ से बिल्कुल सीधा, तो वो हाथ में लड़ता है पकड़ने के टाइम में, ये लड़ेगा नहीं, ठीक है। डिज़ाइन चेंज होती रहती है, बनता रहता है। ये देख सकते हैं है? और कहीं कहीं देखे होंगे, ये यहाँ से उधर का अलग हो जाता है और यहाँ से इधर का अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, ये सब एक ही में जॉइंट किया है। इसका फ़ायदा ये है कि ये हिलेगा नहीं और निकलेगा भी नहीं। जो अलग अलग लगता है अक्सर करके देखेंगे, वो निकल जाता है, लेकिन मैं करूँगा तो नहीं निकलेगा पूरी गारंटी के साथ, क्योंकि उसमें मैं सरिया वेल्ड करता हूँ अलग से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसकी ये बेंड लगाया हुआ है नीचे से 1.25 इंची पाइप का, ये आप नीचे साइड से देख सकते हैं, यल बेंड हुआ, यल बेंड होके लगा हुआ है। और ये पूरा सब जॉइंट करके, अलग अलग नहीं लगाएं, अगर पूरा रनिंग मिल रहा है तो पूरा रनिंग लगाएं इसको, इसके अंदर बोल्ट कर गया है। इसमें सरिया वेल्ड हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर ये हैमर ड्रिल से होल करके और एक सरिया अलग से लगा हुआ है इसमें, ठीक। अब इसको आप चाहे जितना भी खींचेंगे, ये भैया हट्टे कट्टे हैं, खींच रहे हैं, दिल्ली जो ठीक है, रहा है यार, देखो। ठीक है, ये निकाल नहीं सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं, अंदर ये सरिया वेल्ड हुआ है और ये गेट है, इसके लिए ये आगे नहीं गया है, यहीं पे स्टॉप हो गया है, ताकि इसको कोई खींचे तो ये वापस निकले ना। ये सरिया देख सकते हैं, दिख रही है, इसमें रनिंग देख लीजिए, पूरा रनिंग में गया हुआ है। ये